रेल कर्मचारियों को यूनिफाइड पेंशन योजना से लाभान्वित होने का अवसर मिलेगा। उन्होंने कहा कि 1 अप्रैल 2025 से लागू इस नई पेंशन योजना में कर्मचारियों के लाभ के लिए कई विशेषताएं शामिल की गई हैं, जिसमें ये सुनिश्चित पेंशन 25 वर्ष की न्यूनतम अर्हक सेवा के लिए सेवानिवृत्ति से पहले अंतिम 12 महीनों में प्राप्त औसत मूल वेतन का 50%, ये वेतन न्यूनतम 10 वर्ष की सेवावधि तक कम सेवा अवधि के लिए अनुपातिक होगा। प्रधानमंत्री महोदय ने जो जिस उद्देश्य के साथ इस यूपीएस को लागू किया है, उनके जो इस स्पीच का एक पार्ट बता रहा हूँ आपको। उन्होंने ये कहा है कि यूपीएस को कर्मचारियों की गरिमा और वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए है ये। उन्होंने यह कहा कि देश के विकास के लिए कड़ी मेहनत करने वाले सभी सरकारी कर्मचारियों पर हमें गर्व है। केंद्रीय कर्मचारी सरकारी कर्मचारी यूपीएस और राष्ट्रीय पेंशन योजना एनपीएस के बीच चयन कर सकते हैं। इसके अलावा वर्तमान एनपीएस सदस्य भी यूपीएस में स्विच कर सकते हैं। सरकार के कर्मचारियों को यूनिफाइड पेंशन स्कीम के तहत पेंशन देने का ऐलान किया गया है, जिसको लेकर के बीकानेर मंडल के रेलवे प्रबंधक डॉक्टर आशिक कुमार ने प्रेस वार्ता करके योजना की विस्तृत जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि सिर्फ रेल कर्मचारियों को ही नहीं बल्कि केंद्रीय कर्मचारियों को भी यूपीएस का लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि स्कीम पुरानी पेंशन स्कीम से भी बेहतर है। अभी भी बहुत चीज़ें हैं जिसके बारे में और डिटेल्स आना बाकी है, और क्योंकि ये एक केंद्र सरकार का की पॉलिसी है जिसमें कि सब मंत्रालय इन्वॉल्व हैं और रेल मंत्रालय भी उसी पेंशन स्कीम को अडॉप्ट करेगा पार्ट है उसका। तो बहुत चीज़ें ऐसी हैं जिसकी जानकारी हो सकता है कि अभी कन्फर्मिटी के साथ हम लोग नहीं दे सकते हैं, वो तब और डिटेल और इन डेप्थ आपको दे पाएंगे जब और डिटेल्ड इसके पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स आएंगे और इसके वेरियस मिनिस्ट्रीज से या फाइनेंस मिनिस्ट्री से या रेलवे मिनिस्ट्री से जो भी सरकार के कर्मचारी हैं, उसमें काफ़ी बड़ी संख्या रेलवे कर्मचारियों की, और तो रेलवे मंत्रालय काफ़ी तरह से प्रभावित होगा और इसका लाभ उठाएगा हमारे कर्मचारी होंगे। तो इन सब चीज़ों के परिप्रेक्ष्य में देते हुए जो अभी तक हम लोग को जानकारी मिल पाई है और जितने है उसी के आधार पे हम लोग आपके प्रश्न का जवाब दे सकते हैं। और चलिए इस बीच एक बड़ी खबर का रुख कर